को मिलते चल जाओ तो एक ये ठीक जगह मोर्चा खुल गया, यहाँ से पंजाब भी कवर हो जाएगा, हरियाणा भी कवर हो जाएगा। अगर वो देखना चाहते हैं इसको, दो आदमी में कुछ हो रही है कि इनको रिहा कर रहे हैं, मेरे उसमें कोई नहीं है। अब तो ये है कि ये इस पे अगर झुक गए कि मावसी को जहां पर पकड़ी है ना उसको वहीं पीट लो, वहीं पकड़ो उसको, आगे बढ़ा लेना वो। इनको ये नहीं पता कि तुम्हारे बाप का मुंह वहां घसा रहा क्या रेत में दिल्ली में, पहले उसको तो छुपा लो, वहां घसा रहा क्या उसके नाक में रेत भर गया, उसको तो सांस दुआ लो पहले। हरियाणा बचाएगा दिल्ली की जान, बहुत ताकतवर रहेंगे, दिल्ली की जान बचाएगा, पूरे देश का ठेका ले लिया, पहले आपस की तो शोर कर लो, यहां का मुख्यमंत्री गृहमंत्री गृहमंत्री तो यहां का मुख्यमंत्री बनना चाह रहा, वो ऊपर जाना चाह रहा, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहा, तो आपस में तकरार है इनका, पहले ध्यान तो ठीक कर लो भाई अपने, हमें कहीं नहीं जाना, पक्के मोर्चे लगाओ अपने, यहां पे भी एक मोर्चा, यहां पे भी सही, मजबूत क्षेत्र है ये। और आप भी जब आए तो बहुत पब्लिक यहां के रात को इन्हीं क्षेत्र के गांव से आई, इसी क्षेत्र से आए जब सब लोग यहां, और बात करेंगे करते रहेंगे बातचीत, ये चार चार घंटे की उसकी यंत्र 20-20 किलोमीटर दूर जाकर गेस्ट हाउस, ये तो ये चाहते हैं ना, कि ये देखते हैं ये आवे के ये कमजोरी दिखा रहे क्या, ऐसा कुछ नहीं है, लोग जो जेल में भी जा रहे हैं ना, यहां पर तो चौधरी चरण सिंह घासीराम ने टिकेत साहब जितने भी क्रांतिकारी हुए ये तो जेलों में ही तो रहेंगे 23-23 महीने 18-18 महीने, ये धोखे से ले जाना चाहते हैं, वो है दरअसल धोखा भाई, 25-30 आदमी गए, दो को पकड़ लिया और को छोड़ दिया, भाड़ डाल रहे, कोई दिक्कत नहीं, मोर्चा यहां पर रहेगा, जब आपकी समझ में आओगी छोड़ देना, जब नहीं समझ में आओगी ना छोड़ रहा, यहां तैयार बैठे जाओ, आपको जेल ले जाना होगा तो जेल लेकर जाना, यहां से जाएंगे आपके थाने पे बैठे हुए हैं, यहीं रहेंगे, रात को भी यहीं रहेंगे, यहां की गलियों का उसका भी अता पता चल गया, पड़ोसियों के घर का भी अता पता चल गया, आपने जो जन सुविधाएं देनी चाहिए थी वो कुछ नहीं दी आपने, क्या सुविधाएं यहां पे दे रहे हो आप, अगर आपके बाहर धरना चल रहा है, पब्लिक इकट्ठी हो रही है, तो अब पानी की इसकी तो सुविधा आपकी जिम्मेदारी है ना देने की, ये टेंट का तो पता चला के टेंट पुलिस प्रशासन ने सरकार ने लगा, टेंट लगा तो भाई ये मान लिया कि जेल है ये, जैसा थोड़ा सा और बढ़ा दो, इसे जेल डिक्लेयर कर दो, और क्यों खाबो खा, आप भी धक्के खाओ और हम भी धक्के खाते फिरेंगे, हमने खाने पीने का इंतजाम और आप करो हमारा, मतलब थाने में बैठा दिया, जेल ही तो डिक्लेयर कर दी कि जो यहां पे है आपने अस्थायी जेल बना दी, तो बनाओ उसको, कहीं नहीं जाना हमको, यही रहेंगे अपने, ट्रैक्टर टोल ले आओ, यहां पर धूप रहती है उसको अपना छप्पर ओप्पर बांध दो, कुछ अपना तार को लगा लो, कुछ यहां लगा लो, एक रास्ते को अपना ज्यादा भीड़ हो तो एक रास्ते को अपना कवर कर लेना, और जो भी कमेटी अगर तय करेगी उसकी घोषणा हो जाएगी, कमेटी तय कर देगी अभी, तो यहां पे आगे उड़ा साहब पे बैठे हैं, इनका तो बिल्कुल लगता है यही है, पंजाब तो ऐसा लगता हुआ है, ये तो बॉर्डर पे है, हरियाणा पूर्ण रूप से मजबूत है, ये सबका पूरा पाड़ देगा, ये वहां के बॉर्डरों का भी पूरा पाड़ेगा, ये जितने टोल है उसमें भी रहेगा, ये यहां पे भी रहेगा, और जो भी यहां पे कॉल कर जाएगी उसको ये नहीं कि हरियाणा हरियाणा में अभी रहनी या दूसरे स्टेट में भी करनी, क्योंकि लोग कल भी दूसरी जगह भी तैयार थे, थानों में बैठे हुए थे, रात यहां से फिर उनको हटाया गया, थानों से पुलिस स्टेशनों से हटाया गया उनको, तो अपनी तैयारी यहां पर कर लेंगे, आगे की घोषणा उसकी करेंगे, और अपना रात रूत को वही जाने जुड़ने की जरूरत नहीं है, अपना कपड़े लत्ते मंगा लो, अपने ट्रैक्टर को यही मंगाओ, तो धन्यवाद आप सभी का, और ये लड़ाई तो लंबी चलेगी, देखो जिंदा रहना है तो स्वर्ग को आना पड़ेगा, नहीं तो जमीन नहीं बचनी।
कितने मजदूरी करने को मजबूर हो गए आप। लेडीज के लिए जो मोबाइल टॉयलेट की बात करी थी, रात भी बात करी थी, जन सुविधाओं आती है, ये तो शर्म आनी चाहिए ना आपको। आप धरना पड़े बाहर तो आ रहे, जन सुविधाएं आप नहीं दोगे तो ये सारी व्यवस्था प्रशासन कर ले। यहां पर रात भी मच्छर लगे तो फोगिंग की व्यवस्था कर ले, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है इसकी व्यवस्था यहां पर करें। आगे की बातचीत तो हो जाएगी, सरकार और अधिकारी बात कर लेंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी आपकी है, आपके घर के बाहर आकर बैठे हैं, तो जो जन सुविधाएं आंदोलनकारियों को मिलनी चाहिए उसका इंतजाम यहां पर प्रशासन करे। धन्यवाद।